सामने हो अगर रूए खैर उल बशर सामने हो अगर रूए खैर उल बशर फिर इबादत का कितना मजा आएगा मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए मेरी लेने खबर खबर आए आका अगर मेरी लेने खबर आए आका अगर फिर आया तत् का कितना सिद्दीक आंखों में उस्मान हो सर पे सिद्दीक आंखों में उस्मान हो धड़कनों में उमर जान जाओ अली धड़कनों में उमर जान जाओ हम सफर हो अगर ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर फिर रफाकत का कितना मजा आएगा ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर फिर रफाकत का कितना मजा आएगा दिल में है आरज़ू बाबे जन्नत पे रिज़वान रोके हमें ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों जब मोहम्मद कहेंगे के मेरे हैं जब मोहम्मद कहेंगे के मेरे हैं फिर इजाजत का कितना मजा आएगा जब मोहम्मद कहेंगे के इजाजत का कितना मजा
बोले इब्ने अली करबला में सुनो, बोले इब्ने अली करबला में सुनो, घर लुटाना भी है सर कटाना भी है, घर लुटाना भी है सर कटाना भी है, जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा, जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा, जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा, दिल में है आरज़ू। मक्ता पेश कर रहा हूँ, एक महफिल यहाँ सजती है और कोई ना कोई सदरत करने के लिए बुजुर्ग हमारी महफिलों में होते हैं, महफिल का एक माहौल होता था और एक महफिल यहाँ पर है और एक मैदान-ए-महशर में सजाई जाएगी। अब सुनिए उस महफिल का नक्शा। महफिल-ए-नात-ए-महशर में जब हो सजी, महफिल-ए-नात-ए-महशर में जब हो सजी, अकीदतों और मोहब्बतों के फूल निछावर कर रहे हैं कि अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल, के सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। और हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि अकीदत और मोहब्बत का ये आलम होगा, ये अकीदत और मोहब्बत का आलम होगा कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद, अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शम महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम। इंशाल्लाह अज़ीज़ फ़ारसी या पूर्वी कलाम भी हम कारी साहब से सुनेंगे, बड़े आसान अंदाज से हजरत पढ़ते हैं। अल्लामा साहब मैं गुजारिश करता चलूँ कि हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली